तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। अगर आप एक कर्व डिस्प्ले स्मार्टफोन खरीदना चाहते हो 25,000 के बजट रेंज में, तो मैं आप लोगों के स्टूडियो पे चार फोन दिखाने वाला हूं जो कर्व डिस्प्ले के साथ आती है। एंड उस फोन के अंदर आपको कर्व डिस्प्ले नहीं, आपको फ्लैगशिप लेवल की कैमरास देखने के लिए मिल जाती है। एंड आपको फ्लैगशिप लेवल की प्रोसेसर भी है जिसके अंदर आप हैवी से भी हैवी गेमिंग को बहुत आसानी से कर सकते हो। एंड गेमिंग के अंदर भी आपको बहुत ही तगड़ा परफॉर्मेंस निकाल के देगा ये फोन। एंड आप चाहो तो लाइव स्ट्रीम भी कर सकते हो। एंड आपको बड़ी बैटरी मिल जाती है, फास्ट चार्जिंग को भी सपोर्ट करती है। एंड डिस्प्ले में भी आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले भी मिल जाती है। सो अगर आप एक करोड़ डिस्प्ले स्मार्टफोन खरीदना चाहते हो तो इस वीडियो को शुरू से लेके एंड तक देख लेना। तो चलो गाइस, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, इस फोन का नाम है Realme 10 Pro Plus 5G। ये फोन रिसेंटली लॉन्च हुआ है। सो बात करते हैं इस फोन की स्पेसिफिकेशन के बारे में। डिस्प्ले के अंदर आपको 6.7 इंच की फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले देखने के लिए मिल जाती है, जिसके अंदर आपको 120Hz रिफ्रेश रेट का सपोर्ट है एंड HDR 10 प्लस का भी सपोर्ट है। ब्राइटनेस लेवल के अंदर आपको 950 nits आपको ब्राइटनेस लेवल देखने के लिए मिल जाती है, मतलब हार्श सनलाइट में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। एंड स्क्रीन टू बॉडी रेशो में आपको 93.65% देखने के लिए मिल जाती है, मतलब काफ़ी अच्छा स्क्रीन टू बॉडी रेशो है। मतलब आपको बेजल्स एंड चिन साइज में कोई ज़्यादा साइज नहीं देखने के लिए मिल जाएगा, बहुत कम साइज आपको देखने के लिए मिलती है। एंड इस फोन के अंदर मेन चीज़ है कि MediaTek Dimensity 1080 चिपसेट है जो एक 11 5G बैंड्स को सपोर्ट करती है। एंड काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है गेमिंग के अंदर भी। एंड रैम एंड स्टोरेज के अंदर आपको 6GB एंड 8GB दो वेरियंट देखने के लिए मिल जाती है। स्टोरेज के अंदर भी आपको दो वेरियंट है, 128GB एंड 256GB। रैम एंड स्टोरेज के टाइप आपको LPDDR4X रैम टाइप है एंड UFS 2.2 की स्टोरेज टाइप है। बैटरी के अंदर भी आपको 5000mAh का बैटरी बैकअप है जो 67W फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है, मतलब काफ़ी अच्छा बैटरी भी एंड फास्ट चार्जिंग को भी सपोर्ट करती है। एंड परफॉर्मेंस के अंदर भी आपको अंतू स्कोर में 5 लाख प्लस है स्कोर। एक 25,000 के बजट रेंज में 5 लाख प्लस भी बहुत अच्छा स्कोर है। एंड आपको गेमिंग के अंदर भी BGMI में स्मूथ प्लस एक्सट्रीम का सपोर्ट है, HDR प्लस अल्ट्रा का सपोर्ट है। सो आपको गेमिंग के अंदर काफ़ी अच्छे सेटिंग्स से देखने के लिए मिल जाती है एंड परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छा है। एंड कैमरा के बारे में बोलना चाहूँ तो गाइस, ट्रिपल कैमरा सेटअप है इस फोन के अंदर। 108MP का मेन कैमरा के साथ आपको 8MP का अल्ट्रा वाइड एंगल है एंड 2MP का मैक्रो लेंस है। सो कैमरा में भी आपको 108MP का काफ़ी अच्छा कैमरा है, आपको हाई क्वालिटी पिक्चर्स आपको प्रोवाइड करके देगा। एंड पिक्चर्स में भी आपको काफ़ी अच्छा क्वालिटी देखने के लिए मिल जाती है। फ्रंट कैमरा में आपको 16MP का सेल्फी कैमरा देखने के लिए मिल जाएगा। सो वीडियो के बारे में बात करें तो 4K 30fps में आप वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो एंड फ्रंट कैमरा में आपको 1080p 30fps में वीडियो रिकॉर्डिंग करने की ऑप्शन भी है। सो फाइनली बात करते हैं इस फोन की प्राइस के बारे में। इस फोन की बेस वेरिएंट 6GB 120GB स्टोरेज वाला वेरिएंट आपको 24,999 में मिल जाएगा। सो गाइस, बात करते हैं नेक्स्ट फोन के बारे में। इस फोन का नाम है टेक्नो फैंटम एक्स। ये भी काफी अच्छा स्मार्टफोन है अंडर 25,000 में। सो बात करते हैं इस फोन की स्पेसिफिकेशन के बारे में। डिस्प्ले के अंदर आपको 6.7 इंच की फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने के लिए मिल जाती है जो 90Hz रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है। एंड प्रोटेक्शन के अंदर आपको गोरिल्ला ग्लास V5 की प्रोटेक्शन के साथ आती है। एंड स्क्रीन टू बॉडी रेशियो में आपको 91% देखने के लिए मिल जाती है, मतलब आपको बेजल्स एंड चिन साइज में बहुत ही कम साइज देखने के लिए मिल जाएगा। एंड सबसे मेन चीज, इस फोन के अंदर आपको MediaTek Helio G96 प्रोसेसर है जो 12nm टेक्नोलॉजी पर बेस्ड प्रोसेसर है एंड काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है। गेमिंग के अंदर भी जी सीरीज का प्रोसेसर बहुत ही अच्छा प्रोसेसर है। एंड रैम एंड स्टोरेज के अंदर आपको 8GB रैम 256GB स्टोरेज के साथ आती है, जिसका टाइप आपको LPDDR4X रैम टाइप है, UFS 2.1 की स्टोरेज टाइप है। एंड बैटरी के अंदर आपको 4700mAh की बैटरी बैकअप है जो 33W फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। एंड परफॉर्मेंस के अंदर भी आपको अंतू स्कोर में 3,68,000 प्लस आपको स्कोर निकल के देगा, मतलब अंतू स्कोर में आपको मैं एवरेज स्कोर बोलूंगा, ज़्यादा भी नहीं है कम भी नहीं है, सो काफ़ी अच्छा है। एंड कैमरा के अंदर आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने के लिए मिल जाती है 50MP का मेन कैमरा के साथ एंड आपको 13MP एंड 8MP का अल्ट्रा वाइड एंगल है। एंड फ्रंट कैमरा के अंदर आपको डुअल सेल्फी कैमरा देखने के लिए मिल जाती है 48MP का वाइड एंगल एंड 8MP का अल्ट्रा वाइड एंगल है। सो कैमरा के अंदर काफ़ी अच्छा है। फ्रंट कैमरा में आपको दो कैमरा देखने के लिए मिल जाती है। सो फाइनली बात करते हैं इस फोन की प्राइस के बारे में। एंड ये जो फोन है वो आप लोगों को 25,999 में मिल जाती है। सो अगर आप कुछ बैंक ऑफर या कार्ड ऑफर लगा लोगे आपको ये 25,000 के अंदर ही मिल जाएगा। सो गाइस, आगे मैं आपको जो दो फोन दिखाने जा रहा हूँ ये रिफर्बिश्ड फोन है, नया फोन नहीं है, सेकंड हैंड फोन है। लेकिन इस फोन की जो असली प्राइस है वो आप लोगों को 35,000-40,000 के आसपास होती है, लेकिन ये फोन आपको 25,000 के अंदर ही मिल रही है। सो अगर आपको ये फोन खरीदना चाहते हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चेकआउट कर सकते हो। सो बात करते हैं इस फोन की स्पेसिफिकेशन के बारे में। डिस्प्ले के अंदर आपको 6.55 इंच की फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने के लिए मिल जाती है जो 90Hz रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है। एंड आपको HDR 10 प्लस का भी सपोर्ट है, 800 nits ब्राइटनेस लेवल है एंड 92% की आपको स्क्रीन टू बॉडी रेशियो देखने के लिए मिल जाती है। एंड सबसे मेन चीज ये
कि इस फोन के अंदर आपको MediaTek Dimensity 1000 प्लस चिपसेट देखने के लिए मिल जाती है, जो 7 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड प्रोसेसर है एंड गेमिंग के अंदर काफी अच्छा प्रोसेसर है ये। रैम एंड स्टोरेज के अंदर भी आपको 8GB रैम 128GB स्टोरेज देखने के लिए मिल जाती है, जिसका टाइप आपको LPDDR4X है एंड स्टोरेज के अंदर आपको UFS 2.1 की स्टोरेज टाइप देखने के लिए मिल जाती है। बैटरी के अंदर बोलना चाहो तो 4350mAh की आपको बैटरी बैकअप है, जो 65W फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। बैटरी के अंदर मैं आपको बोलना चाहता हूँ थोड़ा कम है, लेकिन काफी अच्छा है, क्योंकि इस फोन के अंदर आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिल जाती है, जो काफी कम बैटरी यूज करती है एंड फास्ट चार्जिंग का भी फीचर भी है। सो परफॉर्मेंस के अंदर आपको अंतु स्कोर में 4,44,000 प्लस आपको स्कोर निकाल के देगा एंड कैमरा के अंदर भी आपको क्वाड कैमरा सेटअप देखने के लिए मिल जाती है, जिसके अंदर आपको 64MP का मेन कैमरा के साथ 8MP का अल्ट्रा वाइड एंगल है, 2MP का मैक्रो लेंस है एंड आपको 2MP का मोनो सेंसर देखने के लिए मिल जाती है। फ्रंट कैमरा के अंदर आपको 32MP का सेल्फी कैमरा भी है। सो फाइनली बात करते हैं इस फोन की प्राइस के बारे में। इस फोन का प्राइस आपको 25,000 के आसपास होने वाली है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप इस फोन को नया लेने की सोच रहे हो तो बिल्कुल भी मत लेना, इस फोन की असली प्राइस 35,000 है। 35,000 में आपको काफी अच्छा स्मार्टफोन मिल जाती है। सो गाइस फाइनली बात करते हैं आखिरी फोन के बारे में। इस फोन का नाम है Vivo V25 Pro 5G। सो इस फोन की स्पेसिफिकेशन के अंदर आपको डिस्प्ले में 6.56 इंच की फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले देखने के लिए मिल जाती है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है एंड आपको HDR10 प्लस का भी सपोर्ट है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो में आपको 92.7% की आपको स्क्रीन टू बॉडी रेशियो देखने के लिए मिल जाती है, जो काफी अच्छा स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है। आपको पतली बेजल पतली चिन साइज देखने के लिए मिल जाएगा एंड सबसे मेन चीज ये है कि इस फोन के अंदर आपको MediaTek Dimensity 1300 चिपसेट है, जो 6nm टेक्नोलॉजी पर बेस्ड प्रोसेसर है। गेमिंग के अंदर भी काफी अच्छा प्रोसेसर है ये एंड रैम एंड स्टोरेज के बारे में बात करें तो इस फोन के अंदर आपको 8GB रैम प्लस LPDDR4X की रैम टाइप है एंड 128GB स्टोरेज UFS 3.1 की स्टोरेज टाइप है। मतलब आपको स्टोरेज टाइप में फ्लैगशिप लेवल देखने के लिए मिल जाती है। वैसे भी ये फोन फ्लैगशिप लेवल ही है, लेकिन ये फोन आपको सेकंड हैंड पे 25,000 के आसपास मिल जाएगा। सो परफॉर्मेंस के अंदर भी आपको 7 लाख प्लस आपको स्कोर निकल के आई है। सो काफी अच्छा परफॉर्मेंस लेवल है। गेमिंग के अंदर आपको कोई इशू नहीं है, हैवी से भी हैवी गेम को इस फोन के अंदर आप खेल पाओगे एंड कैमरा के अंदर आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप है, 64MP का मेन कैमरा, 8MP का अल्ट्रा वाइड एंगल है एंड 2MP का मैक्रो लेंस देखने के लिए मिल जाती है। फ्रंट कैमरा के अंदर आपको 32MP का सेल्फी कैमरा भी है। कैमरा के अंदर मैं आपको ओके बोलूंगा, इतना अच्छा भी नहीं है, इतना बुरा नहीं है। सो कैमरा तो एवरेज है। सो अगर आप इस फोन को नया लेने की सोच रहे हो, मैं आपको बोलना चाहता हूँ इस फोन का प्राइस 35,000 के आसपास है। सो 35,000 के अंदर आपको काफी अच्छा स्मार्टफोन मिल ही जाती है आजकल। सो एक और चीज ये कि इस फोन के अंदर मैं बैटरी के बारे में बोलना भूल गया। सो बैटरी के अंदर भी आपको 4830mAh की बैटरी बैकअप है, जो 66W फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। फाइनली बात करते इस फोन की प्राइस के बारे में। ये फोन आपको सेकंड हैंड पे 25,000 के आसपास मिल जाएगा। सो मैं आपको इस फोन की 35,000 के हिसाब से बोलूं तो आपको कुछ चीजें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ सकती है। डिस्प्ले के अंदर कोई कमी नहीं है, काफी अच्छा है एंड आपको रैम, जो रैम की टाइप है वो आप लोगों को LPDDR4X की जगह LPDDR5 होता तो अच्छा होता एंड अंतु स्कोर के अंदर काफी अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैमरा में भी थोड़ा इंप्रूवमेंट हो सकती थी, 64MP की जगह 108MP होता तो अच्छा होता एंड 2MP की जगह जो मैक्रो लेंस है, भाई 2MP क्यों, 5MP भी हो सकती थी। फ्रंट कैमरा में कोई इशू नहीं है, 32MP का सेल्फी कैमरा मिल जाती है एंड बैटरी के अंदर थोड़ा कम मैं बोलूंगा 35,000 के हिसाब से। सो 5,000 से थोड़ा ज्यादा हो सकती थी, तो ये सब चीजें आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ सकती है अगर आप नया ले लोगे तो। सो 35,000 के अंदर आपको काफी फोन्स मिल जाती है। आपको कर्व डिस्प्ले नहीं मिलती है, लेकिन आपको 35,000 के अंदर बहुत अच्छा फोन्स आपको देखने के लिए मिल जाती है। सो इस वीडियो पे बस इतना ही था गाइस। अगर आपको खरीदना चाहते हो तो सेकंड हैंड ही खरीद लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मैं आप लोगों से मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।